सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस पाने के लिए अभी हमारे चैनल शुभम टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, शुभम टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने किसी भी MI डिवाइस को FRC अनलॉक या गूगल बाईपास करते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपना ईमेल आईडी भूल जाते हैं या अपना पासवर्ड ईमेल आईडी का जो शुरू में हमने MI डिवाइस में डाला है उसको भूल जाते हैं और तब हमें यही वही अकाउंट मांगता है जो हमने पहले डाला था, वो हमें याद नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम हमारे फ़ोन में आती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना होगा कि हम अपने जो डिवाइस है जिसका हमने FRC लॉक अनलॉक करना है उसको हॉटस्पॉट या वाईफाई से कनेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी इसको कनेक्ट कर लिया अपने हॉटस्पॉट से। कनेक्ट करने के बाद आपने इसको वापस स्क्रीन जो मेन लोगो है उस पर आ जाना है। उसके बाद आपने जो अपनी दो उंगलियां लेनी है और स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे स्क्रीन पर रखनी है। आप 5 से 10 सेकंड के बीच में आप उसको रखोगे तो इसमें टॉक बैक ऑप्शन इसमें खुल जाएगा। जैसे इस भी अभी मैंने इसको रखा हुआ है, जैसे ये ऑप्शन इसमें खुल गया। ऑप्शन खुलने के बाद में आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें L शेप में स्क्रीन पर प्रेस करना है। ऐसे L शेप में प्रेस करने के बाद में इसमें ग्लोबल कॉन्टैक्ट मेन्यू इसमें आ जाएगा। इसमें आपने टॉक बैक सेटिंग पर डबल टैप करना है, दो बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसमें एक ऑप्शन और खुल जाएगा, फिर दोबारा से आपने L शेप में प्रेस करना है और पॉज फीडबैक पर डबल टैप करना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपने सबसे नीचे एक ऑप्शन है हेल्प एंड फीडबैक, हेल्प एंड फीडबैक पे आपने डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद में इसमें जो सबसे ऊपर का जो ऑप्शन दिखा रहा है गेट स्टार्ट विद वॉइस एक्सेस पे, उस पर आपने क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से नया आपका विंडो इसमें खुलेगा। खुलने के बाद में ये यूट्यूब का एक ऑप्शन दिखाता है, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो इस पर घड़ी का सा निशान दिखा रहा है, टाइमिंग का सा, उस पर आपने क्लिक करना है, डबल टैप करना है। उस पर आपका सीधा ये यूट्यूब पे ले जाएगा, परंतु हमें यूट्यूब की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने यूट्यूब का जो सर्च बटन है उस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ भी हमने टाइप करके सर्च करना है। जैसे मैं इसमें अभी वी टाइप करके सर्च करता हूँ। जैसे अब ये टाइप किया और सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद में ये इसमें गूगल क्रोम आएगा, गूगल क्रोम को एज डिफ़ॉल्ट आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, परंतु आपने इसमें ईमेल आईडी अपनी नहीं डालनी है। ये दोबारा से पूछे तो दोबारा से वही प्रोसेस अपनानी है, गूगल क्रोम को ही ओपन करना है। इसका गूगल क्रोम का जो सर्च बार है आपने उसमें लिखना है एपेक्स लॉन्चर, इसमें सर्च करना है एपेक्स लॉन्चर APEX। एपेक्स लॉन्चर लिख के जैसे सर्च करोगे आप, इसमें ऑप्शन दिखा रहा है एपेक्स लॉन्चर, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया इसमें बहुत सारे रिजल्ट दिखा देंगे एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड के, तो कोई से किसी से भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं गूगल जो प्ले स्टोर उसको छोड़ के। हमने इसको जैसे ही एक साइट पे गए, बहुत से ऑप्शन दिखा रहे हैं इस पर, नीचे देखते हैं इसका डाउनलोड का बटन कहाँ दिखा रहा है। यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ भी नहीं है, और नीचे चलते हैं, ये इसमें दिखा रहा है डाउनलोड ऐप। जैसे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से इसका ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है इसमें, तो डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं और ये डाउनलोड होने लग गया है। डाउनलोड होने के बाद में जैसे आप इसे इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपका जो मेन स्क्रीन है मोबाइल की वो ओपन हो जाएगी, यानी आपका मोबाइल ओपन हो जाएगा बिना किसी गूगल आईडी के। उसके बाद आपने करना क्या होगा, इसकी सेटिंग में जाना, अबाउट फ़ोन में जाना और MIUI वर्जन पे आपने 7 बार टैप करना है।
सेवन बार टैप करने के बाद में इसका जो डेवलपर जो ऑप्शन होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन है, उसमें आपने क्लिक करना है। और इसमें जो सिक्स नंबर पे दिखा रहा है OEM अनलॉकिंग, उस पर आपने क्लिक करना है और अलाउ कर देना है, इनेबल कर देना है। इनेबल करके आप बैग आ जाओ। कई बार ये ओके नहीं होता है, दोबारा आप चेक कर सकते हो ये OEM अनलॉकिंग इनेबल हुआ है कि नहीं। अभी इनेबल हो गया। इसके बाद आप अपना आईडी, कोई भी आईडी, चाहे नई आईडी इसमें आप फ़ोन में डाल सकते हो और फ़ोन को स्मूथली यूज कर सकते हो। आपसे वो आईडी नहीं मांगेगा जो आपने शुरू में इस फ़ोन में डाली थी। दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। एपेक्स लॉन्चर को आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हो। जैसे ऑफ करोगे और आप मेन स्क्रीन पे आ जाओगे, दोबारा से ऑन करके देखते हैं। एक बार इसको रिस्टार्ट रिबूट करते हैं। अब हमारा फ़ोन रिबूट हो चुका है। दोबारा से ऑन हो रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। जो टॉक बैक सस्पेंशन को क्लोज कर देना आपने, यानी इसको ऑफ कर देना। अगर ये ऑफ नहीं हो तो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को आपने एक साथ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में इसको आप टॉक बैक ऑप्शन का क्लिक करके ऑफ कर दोगे और दोबारा से अपने सेटिंग करनी है। अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे इंडिया। किसी भी रीजन में आप हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी देश में। मैंने इसको इंडिया सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। कीबोर्ड चूज कर सकते हो, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। टर्म एंड कंडीशन को नेक्स्ट कर देंगे। चाहे तो आप सिम भी डाल सकते हो। अभी इसमें गूगल अकाउंट आप इसको नो भी कर सकते हो। आपने इसको आप डालना चाहो तो आप नया गूगल अकाउंट भी बना सकते हो, और नहीं डालना चाहो तो आपको स्किप भी कर सकते हो, MI अकाउंट को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट कर दो, एग्री, यस, नेक्स्ट। आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब आप बिना किसी परेशानी के अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।